नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि एंड नेचर में। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई किसान भाई होगा जिसने अभी तक सोयाबीन की फसल में क्लोरोमीरन इथाइल या क्लोबिन के पाउच या डिब्बे का उपयोग नहीं किया होगा। सोयाबीन में चोड़ी पत्ती खरपतवार के नियंत्रण के लिए हर कोई क्लोबिन का स्प्रे करता है, चाहे अकेला क्लोबिन डालना हो या अन्य खरपतवारनाशक दवाई के साथ इसे मिक्स करना हो, किसी भी माध्यम से इसका उपयोग जरूर करते हैं। तो क्या है इसमें ऐसा, जानने के लिए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। क्लोबिन का जो टेक्निकल है वह क्लोरोमीरन इथाइल 25% WP यानी ये पाउडर फार्म में आता है। ये दवाई आपको कई सारी कंपनी में अलग अलग नाम से देखने को मिलेगी, जैसे कोटेवा में क्लोबिन नाम से, वैसे ये साइनो क्यूरिन जैसे कई नाम से आती है। ये सोयाबीन की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करती है, जैसे बोकना, गाजर घास, कंजरू, फुलकिया, पत्थरचट्टा, छतरी वाला मोता, हजार दाना और दूधी जैसे चौड़ी पत्ती के खरपतवार पर काम करती है। इसका उपयोग हमें सोयाबीन की बुआई के 10-12 दिन बाद स्प्रे करना है, जब खरपतवार 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में हो। इससे बड़ा खरपतवार होगा तो उस पर सही रिजल्ट नहीं दिखेंगे। स्प्रे के तुरंत बाद ही ये अपना काम शुरू कर देता है। पूरे पौधों में तेजी से फैलकर ये खरपतवार के तने और जड़ का विकास रोक देता है और मिट्टी में परत बना लेता है। उपयोग की मात्रा की बात करें तो इसे सिंगल यूज में 15 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर साफ पानी के साथ स्प्रे करना है। वैसे सभी कंपनियां इसका 15 ग्राम का ही पैक बनाती है ताकि आप इसे बिना नाप तोल के भी 1 एकड़ में उपयोग कर पाए। कीमत की बात करें तो 15 ग्राम का पैक अलग अलग कंपनी में 120 से 220 रुपए के बीच में मिलता है। 120 वाले के साथ चिपको नहीं मिलता और 170 से 80 वाले के मुसी कंपनी का सरपेंडेंट मिल जाता है। क्लोबिन केवल चौड़ी पत्ती के खरपतवार पर ही काम करता है। अगर आपको सकरी पत्ती खरपतवार के लिए भी कोई दवाई डालना है तो आप इसके साथ में एजिल, टर्गा या गेलेंट जैसी सकरी पत्ती खरपतवारनाशक दवाई ले सकते हैं। क्लोरोमीरन इथाइल एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसे आप सोयाबीन की फसल में किसी अन्य खरपतवारनाशक दवाई के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। टर्गा एजिल के साथ तो इसे ले ही सकते हैं, चाहे तो आप इसे चौड़ी पत्ती के अन्य खरपतवारनाशक के साथ भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको इसके उपयोग की मात्रा का ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ यह दूसरी दवाई के हिसाब से अलग अलग मात्रा में डलेगी। ज़्यादातर किसान भाई इसे इमीजा के साथ लेते हैं तो आप भी इसे परसूट, लगाम या विड ब्लॉक के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, अगर खरपतवार अधिक मात्रा में हो तो, क्योंकि आप दोनों को मिलाएंगे तो फसल पर भी इसका असर दिखेगा। पानी की सही मात्रा रखेंगे और नमी के समय उपयोग करेंगे तो फसल में झटका भी नहीं लगेगा और खरपतवार भी अच्छे से कंट्रोल होगा। इमीजा के साथ इसे 1 लीटर परसूट, लगाम या विड ब्लॉक में 15 ग्राम क्लोबिन के पाउच को घोल बनाकर 3 एकड़ फसल में स्प्रे करना है। इसी तरह आप इसे मिश्रित खरपतवार नाशक जैसे फ्यूजीप्लेक, साकेत या आयरिस में क्लोबिन के 15 ग्राम के पैक को लेकर 3 एकड़ में स्प्रे करना है। 1 लीटर फ्यूजीप्लेक्स या 1 लीटर आयरिस में 15 ग्राम क्लोबिन का घोल बनाकर इन्हें भी 3 एकड़ सोयाबीन की फसल में चौड़ी पत्ती खरपतवार नियंत्रण के लिए स्प्रे करना है। इसी तरह आप क्लोरोमीरन इथाइल को अलग अलग खरपतवारनाशक के साथ उचित मात्रा लेकर घोल बनाकर मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी दवाई कंपनी अलग अलग प्रकार के खरपतवारनाशक को आपस में मिक्स करने की अनुमति नहीं देती है। अगर फिर भी आप इस मिक्स करते हैं, स्प्रे करते हैं तो फसल को कुछ नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार उपयोगकर्ता आप स्वयं होंगे। तो किन्हीं भी खरपतवारनाशक को आपस में मिलाने से पहले, उपयोग करने से पहले कृषि वैज्ञानिक की सलाह अवश्य लें। जहाँ से दवाई ले रहे हैं उस दुकानदार से पूछें, जिस भी कंपनी की ले रहे हैं उस कंपनी के फील्ड मेंबर से पूछें। हो सके तो आप खुद जानकार बनिए क्योंकि फसल आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है।